हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्रेडिक्शन मास्टर में, जहां आज मैं आपको बताऊंगा गुयाना अमेजन वॉरियर और बारबाडोस ट्रीडेंट के बीच में होने वाला कैरिबियन प्रीमियर लीग 2018 का 22वां मैच, जो कि ब्रिज टाउन बारबाडोस में खेला जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस मैच के मैं आपको प्लेइंग 11, ड्रीम 11 टीम, साथ में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज और क्या पिच कंडीशन है, एवरेज स्कोर क्या हो सकती है, आप किस तरह की टीम बना सकते हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो फ्रेंड्स, आइए सबसे पहले हम इन दोनों टीमों की बात करते हैं, पॉइंट्स टेबल किस तरह का है, इन दोनों टीमों का क्या स्टैंडिंग है पॉइंट्स टेबल में। तो अगर बात करें गुयाना अमेजन वॉरियर्स की, तो फ्रेंड्स ये 6 मैच में 4 मैच जीत कर पॉइंट्स टेबल में तीसरे नंबर पे बनी हुई है। वहीं बारबाडोस ट्रीडेंट की बात करें तो 6 मैच में सिर्फ 2 मैच जीतकर सबसे पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे बनी हुई है। तो बारबाडोस ट्रीडेंट के लिए खोने के लिए कुछ नहीं है, वह गुयाना अमेजन वॉरियर इस मैच को जीतकर वो चाहेगी कि अपना टॉप 2 में जगह बनाए। तो एक इंटरेस्टिंग मैच देखने को मिल सकता है। आइए अब बात करते हैं दोनों टीमों की क्या प्लेइंग 11 हो सकती है। फ्रेंड्स, ये ब्रिज टाउन बारबाडोस में मैच है। अगर एवरेज स्कोर की बात करें तो 140-150 का स्कोर बनेगा आपको, मैं बता दूं ज़्यादातर यही एवरेज स्कोर है 140-150। अगर बैटिंग अच्छी हो गई तो फिर आपको 170-180 भी देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल जो लास्ट के कुछ 7-8 मैच हुए हैं वो अक्सर लो स्कोरिंग गेम ही देखने को मिल रहे हैं। और ये बात करते हैं अब गुयाना अमेजन वॉरियर्स की, क्या प्रोबेबल 11 हो सकती है। गुयाना ने अपना लास्ट मैच जीता था तो मुझे नहीं लगता कुछ खास चेंजिंग देखने को मिल सकता है। फिर भी मैं बता दूं, चैडविक वाल्टन ओपन करते हुए नजर आएंगे, उनके साथ लुई क्रॉन्की जो कि विकेट कीपिंग करेंगे, फिर सिमरन हेटमायर, जैसन मोहम्मद जो कि पिछले मैच में खेले थे और टॉप ऑर्डर में बैटिंग करने आए थे, जो कि कैमरन डेलपोर्ट से पहले आए थे और अच्छी बैटिंग की थी उन्होंने, फिर कैमरन डेलपोर्ट, सुहेल तनवीर, क्रिस ग्रीन, रोशन प्राइमस, कीमो पॉल, रियाड इमरीत और इमरान ताहिर। ये प्लेइंग 11 पिछले मैच में थी और मुझे लगता है इसमें भी सेम रहने वाली है। लेकिन जो बिल्कुल सेफ प्लेयर हैं फ्रेंड्स, वो बता दूं मैं, चैडविक वॉल्टन, लुई क्रॉन्की, सिमरन हेटमायर, जैसन मोहम्मद, कैमरन डेलपोर्ट, सुहेल तनवीर, क्रिस ग्रीन, इमरान ताहिर और कीमो पॉल। ये 8 प्लेयर ऐसे हैं जो बिल्कुल सेफ हैं, तो आप कोशिश करें इन्हीं 8 प्लेयर में से अपनी टीम बनाने की। क्योंकि मैं रियाद इमरीत का इसलिए नाम नहीं लिया हूँ कंफर्म में, क्योंकि इन्होंने पिछले मैच में 4 ओवर में तकरीबन 54-55 रन इन्होंने कंसीड करे थे, तो मुझे लगता है हो सकता है कि इनको बैठा दिया जाए। और रोशन प्राइमस जो कि पिछला मैच खेले थे और अच्छी बॉलिंग की थी, बैटिंग की थी इन्होंने और बॉलिंग भी 2 ओवर डाले थे, हालांकि विकेट नहीं मिली थी, तो हो सकता है कि इनको एक और मौका मिले या फिर इनके जगह पे किसी और ऑलराउंडर को भी ये लोग ला सकते हैं। तो आप कोशिश करें जो मैंने सेफ प्लेयर बताए उन्हीं में से अपनी टीम रखने की, बनाने की कोशिश करें। बात करें बारबाडोस प्रोबेबल 11 की, तो ये लोग लगातार मैच हार रहे हैं, इनके पास खोने को कुछ नहीं है, तो आपको चेंजिंग हर मैच में 1-2 चेंजिंग देखने को मिलता रहेगा। और कन्फर्म नहीं कह सकते कौन सा प्लेयर बैठ सकता है और कौन सा नहीं। फिर भी हाशिम अमला पिछले मैच में बैटिंग करने आए थे, हालांकि फिर से वो जल्दी आउट हो गए, तो ये पिछला मैच में हो सकता है एक और मौका मिले। तो हाशिम अमला और मार्टिन गप्टिल ओपन करेंगे, गप्टिल ने काफ़ी अच्छी बैटिंग की थी, तकरीबन 70 रन इन्होंने बनाए थे। फिर साई होप, स्टीवन स्मिथ, निकोलस पूरन, जैसन होल्डर, इमरान खान, रेमन रीफर या चेमार होल्डर में से कोई एक खेलने वाला है, फिर वहाब रियाज, एसले नर्स और मोहम्मद इरफान। तो ये प्रोबेबल 11 है बारबाडोस की। अब जो इसमें सेफ प्लेयर हैं फ्रेंड्स, बिल्कुल सेफ मैं बता दूँ, मार्टिन गप्टिल, साई होप, स्टीवन स्मिथ, निकोलस पूरन, जैसन होल्डर, वहाब रियाज और मोहम्मद इरफान। तो फ्रेंड्स, ये 7 प्लेयर ऐसे हैं बिल्कुल सेफ हैं, मुझे लगता है ये तो इनका खेलना तय ही है। बाकी के 4 प्लेयर हैं वो रिस्की हैं। हाशिम अमला पिछले मैच में खेले थे और उनकी जगह पे डेविन स्मिथ को बैठाया गया था, तो हो सकता है कि डेविन स्मिथ को फिर से ला दिया जाए या फिर हाशिम अमला को एक और मौका दिया जाए, तो ये एक रिस्की प्लेयर है हाशिम अमला। उसके बाद फ्रेंड्स, इमरान खान जो कि पिछले मैच में इनको खिलाया गया था, हालांकि इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था, फिर भी हो सकता है क्योंकि 2 एसले नर्स भी स्पिनर, इमरान खान भी स्पिनर, तो हो सकता है कि किसी एक ही स्पिनर को मौका मिले, तो ये भी रिस्की हैं। रेमन रीफर या चेमार होल्डर में से कोई एक खेलने वाला है और एसले नर्स भी थोड़े से रिस्की हैं। तो ये 4 प्लेयर रिस्की हैं इसलिए मैंने बता दिया। फ्रेंड्स, मैंने कन्फर्म बता दिया कौन से प्लेयर सेफ हैं और कौन से नहीं। अब आइए बात करते हैं हम ड्रीम 11 टीम की। तो फ्रेंड्स, लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक लाइक कर दें, क्योंकि आप एक छोटी सी लाइक कर देते हैं तो मुझे खुशी मिलती है कि आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, जो मैं मेहनत कर रहा हूँ आपको पसंद आ रहा है और आप उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। तो आइए बात करते हैं, ये स्मॉल लीग के लिए मैं टीम बना रहा हूँ।
अगर बात करें फ्रेंड्स विकेट कीपिंग में, आपके पास दो ऑप्शन है, लुई क्रॉन्की और निकोलस पुरन। लुई क्रॉन्की पिछले दो तीन मैचों से इन्होंने अपना फॉर्म वापस पा लिया और अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, जो कि ओपन भी करते हैं और पावर प्ले में काफ़ी अच्छा फ़ायदा उठाते हैं। वहीं निकोलस पुरन मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हैं, लेकिन लुई क्रॉन्की यहाँ से सबसे बेस्ट ऑप्शन है, इसलिए मैं इनको रख रहा हूँ। आप देख सकते हैं इनको तकरीबन 64% लोगों ने रखा हुआ है। ग्रैंड लीग में अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो निकोलस पुरन को अपनी टीम में रख सकते हैं। बात करें बैट्समैन की, तो मैंने चार बैट्समैन स्टीवन स्मिथ, सिमरन हेटमायर, साई होप और जैसन मोहम्मद, ये चार बैट्समैन को मैंने पिक करा है। आपके पास जो दूसरे ऑप्शन है शुएब मलिक अवेलेबल नहीं है, तो प्लीज़ इनको अपनी टीम में मत रखना। अभी भी आप देख सकते हैं 25% लोगों ने रखा हुआ है इनको अपनी टीम में, अगर आप उनमें से हैं तो प्लीज़ हटा देना। इसके बाद चैडविक वाल्टन एक आपके पास ऑप्शन है, ड्वेन स्मिथ पिछले मैच में नहीं खेले थे, इनकी जब हाशिम अमलाने को मौका मिला था, तो ये दोनों प्लेयर रिस्की हैं तो आप इनको छोड़ दें। हालांकि आप हाशिम अमला को अगर ट्राई करना होगा तो ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि देख सकते हैं सिर्फ 8% लोगों ने इनको अपनी टीम में रखा हुआ है। अगर इन्होंने अच्छा परफॉर्म कर दिया तो आप ये ग्रैंड लीग में आपको अच्छा विन करा सकते हैं, तो अगर रखना भी होगा तो हाशिम अमला को ग्रैंड लीग में अपने रिस्क पे। मार्टिन गप्टिल ने पिछले मैच में काफ़ी अच्छी बैटिंग की थी, तो आप इनको रख सकते हैं अपनी टीम में, ये सेफ हैं बिल्कुल। उसके बाद फ्रेंड्स कैमरन डेलपोर्ट एक ऑप्शन है, मुझे जैसन मोहम्मद और कैमरन डेलपोर्ट में से किसी एक को पिक करना था, तो मैंने जैसन मोहम्मद को पिक किया क्योंकि कैमरन डेलपोर्ट से ऊपर बैटिंग करने आते हैं। तो ये तो हो गई फ्रेंड्स बैट्समैन की बात, अब आइए बात करते हैं ऑलराउंडर्स की। तो मैंने दो ऑलराउंडर क्रिस ग्रीन और जैसन होल्डर, ये सबसे दो बेस्ट ऑप्शन थे, तो मैंने इन दोनों को पिक कर लिया। आपके पास मुझे नहीं लगता कोई सेफ ऑप्शन है, रेमन रेफर पिछला मैच नहीं खेले थे तो क्या पता इस मैच में खेलेंगे या नहीं, सरफेन रदरफोर्ड का भी वही हाल है। जो दो सेफ ऑप्शन थे मैंने पिक कर लिए। अब आइए बात करते हैं बॉलर्स की, तो मैंने चार बॉलर्स पिक किए हैं, सुहेल तनवीर, इमरान ताहिर, वहाब रियाज और मोहम्मद इरफान। ये चारों दोनों टीमों के दो दो मेन बॉलर को मैंने पिक कर लिया। आपके पास जो दूसरे ऑप्शन है, रियाद इमरीत पिछले मैच में काफ़ी महंगे साबित हुए थे तो ये एक ऑप्शन है, हालांकि किमो पॉल एक अच्छे ऑप्शन रहने वाले हैं आपके पास। वीरेस हेमी परमोल एक मैच खेले थे, अच्छी बॉलिंग की थी, दो विकेट निकाले थे लेकिन उसके बाद इनको बैठा दिया गया। रोशन प्राइमस को पिछले मैच में मौका मिला था और इन्होंने अच्छी ये अपना गेम खेला था और 24 पॉइंट दिए थे, तो ये भी इनको मुझे लगता है एक और मौका मिलेगा तो आप इनको भी अपनी टीम में रख सकते हैं। और इमरान खान भी एक आपके पास ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स ये तो हो गई टीम, आइए अब बात करते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन की। तो कैप्टन इसमें कोई अच्छा ऑलराउंडर मिल नहीं रहा था, फिर भी जैसन होल्डर थोड़े से टॉप ऑर्डर में बैटिंग करने आ रहे हैं मिडिल ऑर्डर में, इसलिए मैंने इनको रख लिया है कि अगर बैटिंग कर लिए और बॉलिंग तो चार ओवर करते ही हैं, तो इसलिए मैंने इनको कैप्टन एज ए कैप्टन रख लिया। और वाइस कैप्टन मैंने लुई क्रॉन्की को बना दिया। आप यहाँ से दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है फ्रेंड्स, स्टीवन स्मिथ पिछले दो तीन मैचों से लगातार अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिए, तो हो सकता है कि इस मैच में अच्छा खेल जाए, तो आपके पास एक दूसरा ऑप्शन है कि आप कैप्टन स्टीवन स्मिथ को बना दें और वाइस कैप्टन सिमरन हेटमायर को, या फिर आपके पास साई होप एक अच्छे ऑप्शन है और उनके साथ आप किसी बॉलर सुहेल तनवीर को या फिर मोहम्मद इरफान को बना सकते हैं। तो आपके ऊपर है कैप्टन और वाइस कैप्टन, वैसे मेरे कैप्टन ये रहने वाले हैं जैसन होल्डर और लुई क्रॉन्की। तो आइए आप एक बार फाइनल प्रीव्यू देख लेते हैं, लुई क्रॉन्की, सिमरन हेटमायर, साई होप, स्टीवन स्मिथ, जैसन मोहम्मद, होल्डर, ग्रीन, सुहेल तनवीर, इमरान ताहिर, मोहम्मद इरफान और वहाब रियाज। तो फ्रेंड्स ये है आज की मेरी ड्रीम इलेवन टीम। अगर आपको देखिए इस टीम से बर्बाडोस से सिर्फ तीन ही बैट्समैन मेरे पिक के हैं, आप अगर रखना चाहते हैं चार करना चाहते हैं तो आप किसी एक बॉलर को छोड़कर आप किसी एक बैट्समैन को यहां से पिक कर सकते हैं, तो ये आपके ऊपर है। हालांकि रन कम बन रहे हैं और विकेट ज़्यादा गिर रहे हैं इसलिए मैंने चार बॉलर को पिक करा है, ये आपके ऊपर। अगर चेंज करना चाहते हैं तो एक दो चेंजेस ज़रूर कर लें, और फ्रेंड्स कैप्टन और वाइस कैप्टन खुद की चॉइस से रखें तो ज़्यादा बेहतर है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं कि क्या मैं इम्प्रूवमेंट ला सकता हूं अपनी वीडियो में, और शेयर करें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।